बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम गुड़ वाली मीठी सेवइयाँ बना रहे हैं, बड़े मज़े की ये बनेगी। ये मैंने गुड़ लिया, इसको मैंने पीस लिया, या शक्कर ले लें या चीनी ले लें। वैसे मैं चीनी पसंद नहीं कर रही, आजकल बड़ा परहेज़ चल रही है हमारी गुड़ की चीज़ें, शक्कर की चीज़ें खा रहे हैं। तो ये पहले मैं शीरा बना रही हूँ, सेवइयाँ बनाएँगे अभी। पानी 1 कप, शक्कर 1 कप, इसका शीरा बनाते हैं। ये देखे उबाल आ गया, इसको एक साइड पे रखते हैं। 2 खाने के चम्मच 2 टेबलस्पून देसी घी, 3 सब्ज़ इलायची, तो इसको हम कड़कड़ाते हैं। और देसी घी मैंने ज़रा भर के डाला 2 चम्मच। अच्छा, ये सेवइयाँ जो है ना, यकीन करें इतने मज़े के और इतनी झटपट तैयार होती हैं कि आपकी सोच है। 200 ग्राम जो है मैंने सेवइयाँ ली हैं, जो आपको पता है पैकेट में मिल जाती हैं, 200 ग्राम मैंने ली हैं। इसको अब हम जो है ना थोड़ा सा भून लेते हैं घी में, और थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया इसको ना, बहुत लंबी लंबी सेवइयाँ होती है ना, थोड़ा चलाने में चम्मच से ना फिर वो मसला होता है। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे एहतियात से। ये देखिए सेवइयाँ भुन चुकी हैं करीब तरीन। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने जो है वो किशमिश लिए हैं, काजू लिया है, किशमिश तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब, और छुहारे 3 अदद, इसको बारीक बारीक काट लें, बादाम बारीक बारीक काट लें, 12 से 15 बादाम है, इसी तरह 12-15 पिस्ता, काजू। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तादाद ऐसे बता रही हूँ जैसे पता नहीं, लाजमी आपने इतने ही लेने हैं, तो ये आप 20-25 भी ले सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह जब भुन गया, तकरीबन 1 मिनट मैंने और इसको भुना है ड्राई फ्रूट्स के साथ, और वो जो शीरा बना के रखा था ना शक्कर का, वो डाल दें। यहाँ पर आपने चूल्हा जो है वो तेज़ नहीं रखना, क्योंकि शीरा एकदम से सूखेगा, और अभी सेवइयाँ जो है ना आपको पता कच्ची हैं, तो स्लो फ्लेम कर लें और इसको थोड़ा मिक्स करके 3 मिनट का दम दे दें इसको। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये सेवइयाँ गल चुकी हैं, खिली खिली सेवइयाँ बन गई हैं, कच्ची भी नहीं हैं और गल भी चुकी हैं। स्लो फ्लेम का हमने दम दिया था। इसके बाद आखिर में हमने 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क पाउडर डाल देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि खोया पाया वे। वाह भाई वाह, बना के ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाकई झटपट तैयार हो जाती हैं। ये देखिए सेवइयाँ तैयार हो गई हैं, कैसी ज़बरदस्त बनी, खिली खिली। अब इसको थोड़ा सा केवरा वाटर डाल दें 1 मिनट के लिए, चूल्हा बंद है, 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा ढककर देखते हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की सेवइयाँ तैयार हो गई हैं, और बना के ट्राई कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हुन मैं पंजाबी दस्सदा कि 200 ग्राम मैं ना सेवइयाँ लईआं सन, उन्होंने मैं इलायची ते घ्यो पा के ना उन्होंने भुन लिया सी। शीरा मैं पहले तैयार कर रही सी, 1 कप पानी ते 1 कप चीनी दा, 1/4 कप भी पानी पा लो तो कोई मसला नहीं। ते उस बाद फिर मैं देसी घ्यो लगा पा के तो सेवइयाँ नू पकाया सी, उस बाद शीरा जिहड़ा वे वो पाता सी, ड्राई फ्रूट्स पहले भुने सन, उस बाद शीरे च थोड़ा 2-3 मिनट मैं उसनू पका के दम दिता है, आखिर च केवड़ा वाटर डाल दिता है। ज़बरदस्त किस्म दी सेवइयाँ तैयार हो गई ने, यकीन करो अचानक मेहमान आ जाए मिठे का दिल करे सेवइयाँ तो घर होंगे ही ने। खीर बनाओ इन्नी मुश्किल ना, कौन झंझट भरे है सब, मेरे हाल 5-6 मिनट तो तैयार हो गया सन। ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुम्हें रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।